आज किचन में घुसने के बाद बड़ी मशक्क़त के बाद बहुत दिमाग लगाना पड़ा कि क्या बनाएं क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो फिर डिस्कस करने के बाद एक डिश का नाम उभर के आया जिसका नाम है आलू दो प्याज़ा। आपने खाया होगा भिंडी दो प्याज़ा, चिकन दो प्याज़ा, लेकिन आज हम आपको बना के खिला रहे हैं आलू दो प्याज़ा, वो भी बढ़िया वाला, एकदम टेस्टी डेलीशियस। और ये देखें कितनी बढ़िया दिखने में और उतनी टेस्टी होगी खाने में, ये हमारा आपसे प्रॉमिस। तो आलू दो प्याज़ा कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो आ गई आपको बहुत ही पसंद तो उस टाइम वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। तो लेट्स करते हैं बनाना स्टार्ट आज की बेहतरीन रेसिपी आलू दो प्याज़ा। तो देखिए वीडियो कंटिन्यू और बनाए अपने घर पर ये वाली शानदार रेसिपी आलू दो प्याज़ा। आलू दो प्याज़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्याज लिए, प्याज को हमने देखिए इस तरह से अलग अलग पीसेज बना दें, टमाटर चॉप किए हैं और एक प्याज को हमने बिल्कुल यहाँ पे चॉप किया हुआ है। ये देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल सेट है यहाँ पे। और ये हमारे पास चार बॉयल आलू हैं, ये थोड़ा सा कटी हुई लहसुन, कटी हुई हरी मिर्ची। अब क्या करेंगे, पैन लेंगे, पैन के अंदर जाने देंगे 2 चम्मच तेल के, रिफाइंड ऑयल हमने इसमें यूज करना है। आप चाहो तो इसमें देसी घी भी यूज कर सकते हो। जैसे तेल गर्म हो जाए इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा चटकते इसमें ऐड करनी है हमने कटी हुई लहसुन, उसको थोड़ा सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट, फिर इसमें ऐड करेंगे कटी हुई बारीक प्याज और कटी हुई हरी मिर्ची और फिर इसको अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट हमने इसको भूनना है, ताकि प्याज हमारे बढ़िया से इनमें कलर आ जाए, जो इसके अंदर मॉइस्चर यानी जो पानी होता है हल्का सा प्याज का वो सूख जाए और बड़े प्याज का जो ओरिजिनल टेस्ट है वो एकदम बाहर आ जाए, क्योंकि ये वाइट प्याज है। आप चाहो तो रेड प्याज इसके अंदर लोगे तो उसका कलर बढ़िया आएगा। ये देखिए ग्रीन चिली भी हम इसमें ऐड की है, फिर इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट। आज की जो रेसिपी आलू दो प्याज़ा है इंस्पायर है चिकन दो प्याज़ा और भिंडी दो प्याज़ा से। तो सेम जैसे भिंडी दो प्याज़ा और चिकन दो प्याज़ा बनता है उसी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन डिश है आलू दो प्याज़ा। आप पनीर दो प्याज़ा भी बना सकते हो। ये देखिए प्याज हमारे बिल्कुल ब्राउन कलर आ चुका है, इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, देगी मिर्ची 1 चम्मच, एक टेबल स्पून यहाँ पे ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और एक कटी हुई टमाटर जाने देंगे इसके अंदर और इन्हें कर देंगे अच्छे से मिक्स। 2 से 3 मिनट हमने प्याज टमाटर सारे मसालों को भूनना है यहाँ पे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स होकर अच्छे से कुकड हो जाए। ये देखिए कितना बढ़िया कलर इसके अंदर आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे पानी, ये देखो हमने इसमें पानी ऐड किया, फिर पानी के साथ इसे कुक करेंगे 2 से 3 मिनट और उसके बाद बनाएंगे इसको ठंडा करने के बाद इसका फाइन पेस्ट यानी प्योरी। ये देखिए अब इसको जाने देंगे मिक्सी के अंदर में, थोड़ा सा मसाला अलग से निकाल देंगे और बाकी का जाने देंगे मिक्सी के अंदर ग्राइंडर के अंदर, उसकी बना देंगे फाइन प्योरी। 1/4 हमने अलग से निकाल दिया और तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉयल आलू हैं इनको काट देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने एक ही साइज़ के आलू काटने, आलू आपके ज़्यादा बॉयल ना हो आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए हमने आलू को काट दिया यहाँ पर, एक गरम तेल के अंदर जाने देंगे आलू को, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। एक बढ़िया सा कलर हमारे इन आलूओं में आ जाए, मतलब हमारे आलू फ्राई हो जाए, उसके बाद हमने निकाल देंगे। ये देखिए आलू हमारे बिल्कुल फ्राइड हो रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट और फ्राई करने के बाद हम इन्हें निकाल देंगे। ये देखिए अब इनका कलर देखिए कितना बढ़िया कलर इनके अंदर आया और आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनको ले लेंगे प्लेट के अंदर में और अब क्या करेंगे, एक पैन रखेंगे गैस के ऊपर, 2 चम्मच उसके अंदर जाने देंगे रिफाइंड ऑयल के, थोड़ा सा जीरा, जीरा जैसे चटक जाए फिर वही कटी बारीक लहसुन और इसको क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स करके इसे भून लेंगे, यानी 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारी लहसुन एक बढ़िया सा ब्राउन कलर आ जाए। फिर जो हमने अनियन की स्लाइस रखी हुई थी, अनियन के पीसेस निकाल के अलग अलग, ये देखिए इस तरह से, ये अनियन पेटल्स आप इसे कह सकते हैं, इस तरीके से हमने रखे थे। इनको हल्का सा हमने टॉस करना है, ज़्यादा नहीं करना, बस जैसे ही टॉस हो जाए, ये देखिए कलर्स आ गया प्लेट पे, थोड़ा सा देगी मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इनको मिक्स करेंगे साथ में, ताकि बढ़िया सा कलर आए, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब आप कलर देखो तो हल्का सा रेडिश और हल्का सा येलोनियस यानी गोल्डन कलर आ चुका है इसमें। अब ये जो चॉप मसाला मैंने बचा के रखा था
वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर, ये देखिए, और इसको कर देंगे मिक्स बढ़िया से। अब आप कलर देख रहे हैं कितना बढ़िया, ये जो दो प्याज़ा है, ये दो प्याज आप देख रहे हैं, एक चॉप मसाला और एक ऑनियन की पीसेस, और जो हमने पेस्ट किया था मसाले का वो भी जाने देंगे इसके अंदर, जो प्योरी बनाई थी भी थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें कितना बढ़िया कलर, एकदम अच्छी सी डिश बनती हुई आपके सामने नज़र आ रही है, और डिश का नाम आपको पता ही है, आलू दो प्याज़ा। थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, और फिर इसे कुकड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें पहले से फ्राइड की हैं, बॉयल्ड हैं, तो इसका ऑलरेडी सारी चीज़ें कुकड हैं। अब आप इसका कलर देखिए, इसने बिल्कुल तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब डिश आपकी ऑलमोस्ट बन के हो रही है तैयार। थोड़ा सा ऐड करेंगे किचन किंग गरम मसाला और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर, ये देखिए, और डिश हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमने आलू फ्राई किए थे, वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है, आलू फ्राइड के इसके अंदर जाने दिए हमने, और अब हमने इसको बस सिर्फ मिक्स करना है। ये देखें कितना बढ़िया कलर, जो खुशबू आ रही है, देखें कलर देखिए, और उसमें कटी हुई हरी प्याज भी हमने इसमें ऐड की, एक बढ़िया सा कलर, बढ़िया सा टेक्स्चर, और एक बहुत ही अच्छे वाला टेस्ट इसके अंदर जो आया, चटपटा, आहा, देसी स्टाइल आलू दो प्याजा, और इसकी खुशबू पूछो मत। 1 चम्मच देसी घी का ऊपर से, यानी सोने पे सुहागा। आलू की आपने कई टाइप की रेसिपियाँ बनाई होंगी, उसमें आपने आलू जीरा बनाया होगा, आलू गोभी बनाया होगा, आलू मटर बनाया होगा, सूखे आलू बनाए होंगे, रस्से वाले, दही वाले आलू, लेकिन जो ये वाली रेसिपी है बिल्कुल ही अलग है। तो अब करते हैं इसको फटाफट से सर्व। ये देखें कितनी सुंदर और डिलीशियस दिखने में, नहीं ज़्यादा इसके अंदर पतलापन और नहीं ज़्यादा गाढ़ापन, ये बिल्कुल एकदम कोई सूखी सब्जी होती ना उस टाइप की, ये देखें जैसे लग रहा कि कोई कढ़ाई पनीर या कढ़ाई वेजिटेबल हम खा रहे हैं, उस टाइप की रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है, लेकिन आप इसे अपने घर पे बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। गार्निश करेंगे इसमें ऊपर से हरे प्याज की कटी हुई, हरी प्याज हमारे पास, हरी पुदीने की पत्ती इसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा जो कहना है, खाना खाने के साथ साथ में दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, खाने का असली मज़ा तभी आता है। करें चैनल को सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। तो एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी आज मैंने आपको बना के बताई है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को लाइक, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी आज की बेहतरीन रेसिपी आलू दो प्याजा कैसे लगी, ताकि मैं आगे भी आपको नई नई तरह की रेसिपियाँ देता रहूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ चैनल को करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नए टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राजपुंडी, टेक केयर।